नमस्कार मैं हूं कपिल का स्वागत है आप सभी का डेली स्वागत है उम्मीद कर दो मुझे डेली फॉलो कर रहे हैं इसी तरह से डेली फॉलो करते रहेगा जुड़े रहेगा बने रहेगा मेरे साथ आपके साथ में बना रहूंगा और आप भी बने रहेंगे तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप शानदार मार्क्स

गुड इवनिंग एवरीवन ओके सो चलिए स्टार्ट करें सेशन को okay. so, से पहले हम अपने सेशन के जो शुरुआत करते हैं वो करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हम अपने सेशन की डेली बेसिस पर शुरुआत करते हैं स्टार्ट करते हैं आरबीआई की वेबसाइट पर आपको डायरेक्टली लेकर चलता हूं और उसी वेबसाइट पर पढ़ते हैं कि आज क्या अपडेट आई है फिर हम अपनी बाकी न्यूज पर चलेंगे ठीक है ओके okay. करते हैं स्टार्ट एक सेकेंड मुझे दो सॉरी okay. आज बैंक में लेट हो गया यार। मैं अभी घर पर आया था छह बजे घर पर आया था आज मैं। चलिए आरबीआई की वेबसाइट पे चलते हैं और आरबीआई वेबसाइट पर क्या अपडेशन आई है आरबीआई की वेबसाइट पर अपडेशन आज जो देखने को मिली है वो आई है आरबीए रिलीजेस क्वार्टरली स्टेटिस्टिक्स ऑन डिपॉजिट एंड क्रेडिट ऑफ एससीबी मार्च 2021 बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है बहुत ही मजा आने वाला इस न्यूज को समझने में ध्यान से समझना और आज आप ना बहुत सारी टर्म्स फिर से सीख कर जाओगे नई नई वाली ठीक है ओके तो चलिए पढ़ते हैं क्वार्टरली स्टेटिस्टिक्स ऑन डिपॉजिट एंड क्रेडिट ऑफ एस इस न्यूज में जो भी मैं चीजें जो भी डाटा आपके सामने आएगा वो डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है डाटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो डाटा इंपॉर्टेंट होगा बताऊंगा बट बत जो भी मैं डाटा यहां पर दिखाऊंगा तो डरना मत उस डाटा को देखकर कि सर इतना सारा डाटा याद रखना पड़ेगा नहीं याद रखना पड़ेगा मैं जस्ट आपको करवाने वाला हूं चीज ध्यान से देखिएगा बस इतनी ही प्रेस रिलीज है ज्यादा बड़ी प्रेस रिलीज नहीं है बट इस प्रेस रिलीज को ध्यान से पढ़ते हैं बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है मतलब आपको हो सकता है हार्ड लगे बट मुझे इजी लग रहा है तो आपको भी अगले पांच मिनट में इजी लगने लग जाएगा टुडे द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज क्वार्टरली स्टेटिस्टिक ऑन डिपोजिट एंड क्रेडिट ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक चल नहीं रहा यार आज तो चलो छोड़ो <laughs> पता नहीं क्या होगा इसको टुडे द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज क्वार्टरली स्टेटिस्टिक ऑन डिपोजिट एंड क्रेडिट ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक मार्च दो हज़ार इक्कीस ऑन इट्स डेटाबेस ऑन इंडियन इकोनॉमी पोर्टल वेब लिंक यहां पर दे रखा है ठीक है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर क्वार्टरली स्टैटिस्टिक डिपॉजिट एंड क्रेडिट पर रिलीज किया है मेन कहने का मतलब यह है कि जो भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं हमारे इंडिया में उनका जो भी उन्होंने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है जो भी उन्होंने क्रेडिट यानी कि लोन दिया है उसका क्या डाटा रहा क्या फिगर्स रही सभी की सभी बैंक की कंसोलिडेटेड, वो यहां पर इन्होंने रिलीज की एज ऑन इकतीस मार्च को उनकी क्या क्या फिगर्स रही इस चीज का यहां पर डाटा रिलीज किया किस पर रिलीज किया आरबीआई का एक अलग से पोर्टल है जिसपे वो सारा का सारा डाटाबेस पंच करता है डाटाबेस रिलीज करता है एंड देस यहां पर आपकी कहलाता है डाटा बेस ऑन इंडियन इकोनॉमी ये पोर्टल का नाम है दैट इज डी बी आई ए पहली फुल फॉर्म वी दैट इज दाटा बेस ऑन इंडियन इकोनॉमी लिख लेना डाटा बेस ऑन इंडियन इकोनॉमी दिस इज द फुल डी बी आई ई पूछी जा सकती है आपसे एग्जाम में ठीक है डाटा ऑन क्रेडिट एंड डिपोजिट डिस डिसग्रीगेटेड बाई टाइप आर क्लासिफाइड बाई स्टेट यूनियन टेरेटरी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पॉपुलेशन ग्रुप बैंक ग्रुप ये जो भी डाटा दिया गया है ये आपका इस डाटा को यहां पर क्लासीफाई किया गया कितना स्टेट में

इंपॉर्टेंट है बी एस आर दैट इज दल रिटर्न ठीक है ये दो फुल फॉर्म याद रखनी है आपको आगे हाईलाइट देखते हैं बैंक क्रेडिट वाई ओ वाई वाई ओ वाई का मतलब है ईयर ओवर ईयर मीन्स पिछले साल कितना था और इस साल कितनी ग्रोथ देखने को मिली है पिछले साल ईयर ओवर ईयर दो इयर्स का यहां पर कंपैरिजन किया गया ठीक है बैंक क्रेडिट ग्रोथ का मतलब है कितना लोन था बैंक क्रेडिट ग्रोथ यानी कि लोन ग्रोथीरेटेड टू फाइव पॉइंट सिक्स परसेंट इन मार्च दो हजार इक्कीस फ्रॉम सिक्स पॉइंट फोर परसेंट अर इज अ डिक्लाइन लोन्स में डिक्लाइन देखने को मिला मीस लोगों को लोन कम दिया गया यहां पर ग्रोथ की बात कर रहे हैं यानी कि पिछले साल जो ग्रोथ थी उससे पिछले साल के मुकाबले उससे पिछले साल के मुकाबले यानी कि 2019 से 2020 की जो ग्रोथ थी वो 6.4 परसेंट थी बट यहां पर पिछले साल 2020 के मुकाबले 2021 की जो ग्रोथ रेट है वो 5.6 परसेंट हुई यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि लोन नहीं दिया गया लोन आपका कम दिया गया लोन कम नहीं दिया गया ग्रोथ रेट की कंपैरिजन किया गया कि ग्रोथ कम हुआ है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर ठीक है ओके okay. अगली लाइन कंबाइंड क्रेडिट बाय बैंक ब्रांचेस इन टॉप सिक्स सेंटर्स यानी कि ये जो छह सेंटर है यहां पर जो भी यहां पर लोन दिए गए कंबाइंड सभी सभी बैंक्स के द्वारा डिक्लाइन मार्जिनली इस दौरान यहां पर थोड़े से मार्जिनली मतलब होता है बिल्कुल माइन्यूट थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस नहीं थोड़ा सा डिफरेंस होना बैंक ब्रांचेस इन अर्बन सेमी अर्बन रूरल एरियाज़ ऑन अदर हैंड रिकॉर्डेड 9.4, 14.3, 14.5 परसेंट ये तीनों के अर्बन सेमी अर्बन एंड दी रूरल की यह क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिली है ठीक है सो so, यहां पर क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिली है और ये जो छह सेंटर है उसमें टोटल मान लीजिए मैंने सौ रुपए का लोन दिया पूरे पूरे इंडिया में लोगों को उसमें दियासेंट लोन जो है वो केवल और केवल मुंबई दिल्ली बेंगलुरु चेन्नई हैदराबाद और कोलकाता में ही दिया गया है नेक्स्ट लाइन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक रिकॉर्डेड 3.6 परसेंट एंड 9.1 परसेंट क्रेडिट ग्रोथ रिस्पेक्टिवली वेर एज लेंडिंग बाय फॉरेन बैंक्स डिक्लाइन ड्यूरिंग ट्वेंटी ट्वेंटी ओके okay. सो so, ये भी लाइन इजी है कुछ भी आपको इसमें मुश्किल नहीं आ रहा होगा अगली लाइन पढ़ते हैं एग्रीगेट डिपोजिट ग्रोथलरेटेड नाउ दिस इज डी एक्सलरेटेड एंड दिस इज दी इट्स अ गुड वो कैब आपकी वो कैब भी सुधर रही है ठीक है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं एक एडिटोरियल की क्लास ले रहा हूं ठीक है सो दिस इज दीगेट डिपोजिट कोई नहीं काका

इंक्रीज हुआ यह ग्रोथ रेट डिक्लाइन हुई थी यह ग्रोथ रेट इंक्रीज हुई 9.5 से 12.3 परसेंट और यह मेट्रोपॉलिटन ब्रांचेस की यहां पर आ गई द शेयर ऑफ द करंट अकाउंट इन अकाउंट विच इज नॉन इन द शॉर्ट एज द कासा डिपॉजिट कासा की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है उम्मीद करता हूं आपको याद होगी ऑलरेडी सी एस ए का मतलब होता है करंट अकाउंट एंड द सेविंग अकाउंट डिपॉजिट इन टोटल डिपॉजिट इंक्रीज टू 44.1 परसेंट इन मार्च 2021 फ्रॉम 42.1 टू पॉइंट परसेंट अगो दिस इज अ गुड थिंग गुड थिंग क्यों है बैंक जो है लोन देते हैं ऑब्वियसली ठीक है लोन है, है, देते हैं तभी तो कमाते हैं लोन देते हैं हम है, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं कस्टमर से पैसा हमें कहां से मिलता है डिपॉजिट से मिलता है डिपॉजिट कितने प्रकार के होते हैं डिपॉजिट होता है डिमांड डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट आपके करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, टाइम डिपॉजिट आपके एफ डी आर डी ठीक है फिक्स डिपॉजिट, रेकर डिपॉजिट। फिक्स डिपोजिटिरे रेकरिंग का जो इंटरेस्ट होता है वो इन कम्पेरिजन टू दी करा होता है मानते हो ज्यादा होता है ठीक है सही है फैक्ट है ऑब्वियस है ज्यादा होता है आपको फिक्स डिपोजिट आर पे जहां पांच साढ़े पांच परसेंट आज की डेट में इंटरेस्ट मिल रहा है वहीं पर ही आपको सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट पे तीन परसेंट करंट अकाउंट पर मिलता ही नहीं प्राइवेट बैंक देते हैं बट

एफडीआर के पैसे पे पांच परसेंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देना पड़ेगा मुझे इंटरेस्ट और उधर मैं नौ परसेंट पे लोन दूंगा चार परसेंट का फायदा चलो मैं बाकी कोस्ट कुछ नहीं लगा रहा एक सीधे देसी भाषा में बात करो पांच और नौ चार परसेंट का फायदा और उधर मैं अगर सेविंग अकाउंट के पैसे को लोन के फॉर्म में दूंगा तो कितना छह परसेंट का फायदा तीन परसेंट में दू... लूंगा मैं पैसा और नौ परसेंट पे दूंगा ब्याज पे मैं पैसा तो छह परसेंट का फायदा तो ऑब्वियस है हम क्या करेंगे एज अ बैंकर जो आपको आगे आने वाले फ्यूचर में करना पड़ेगा जो आपके टारगेट्स आएंगे जो आपके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा कि अपने बैंक का अपनी ब्रांच का कासा बढ़ाइए यहीं से फोन आएगा आप पहले दिन ही सुनोगे अपने ब्रांच मैनेजर से बेटा अपनी ब्रांच का कासा बहुत लो है अपनी ब्रांच का कासा बढ़ाना पड़ेगा आपको ब्रांच मैनेजर ऐसे बोलेगा तो आप क्या सोचते रहोगे सर कासा मतलब कासा मतलब क्या होता सर? है सर पूछोगे ऑब्वियस कासा मतलब तो कासा का मतलब होता है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का ग्रोथ बढ़ानी पड़ेगी आपको क्यों बढ़ानी पड़ेगी मैंने अभी रीजन बताया तो उसके पीछे लॉजिक भी आपको पता लग गया सिंपल सा लॉजिक है कि कास्सा में पैसा बढ़ाओ एफ डी आर डी के मुकाबले तो आपको यहां पर ज्यादा बेनिफिट होने वाला है एज अ बैंक एज अ बैंक और यहां पर यही कहा गया है कि कास्सा डिपोजिट जो है वो फोर्टी फोर पॉइंट वन परसेंट पहुंच गया है फोर्टी टू पॉइंट वन परसेंट के मुकाबले यानी कि जो सौ रुपए बैंक के पास है जो सौ रुपए बैंक के पास है उसमें से चुमालीस रुपए आपके पास कास्सा के हैं यानी कि बाकी सिक्सटी सेवन पॉइंट 65.9 जो, जो है वो एफ डी आर डी सिक्सटी नहीं सॉरी 55.9 55.9 जो पैसा है वो आपका यहां पर एफडीआरडी के फॉर्म में है ये चीज पिछली बार से बड़ी है तो अच्छी बात है बड़ी है बढ़नी चाहिए ठीक है नेक्स्ट शेयर ऑफ प्राइवेट बैंक इन टोटल डिपोजिट एंड क्रेडिट बाय एससीबी इंक्रीज

वट डू मीन बाई सी डी रेशियो एग्जाम का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है वट डू मीन बाई सी डी रेशियो ऑप्शन आएंगे ऑप्शन में आपको चूज क्या करना है इट इज अ क्रेडिट डिपोजिट रेशियो फुल नेम है सी डी का मतलब है क्रेडिट एंड द डिपोजिट रेशियो क्रेडिट डिपोजिट के अगेंस्ट आपने कितना लोन दिया है डिपोजिट मेरे पास सौ रुपया है तो उसके अगेंस्ट मैंने कितना परसेंट का लोन दिया है दैट इज दी वन पॉइंट फाइव परसेंट मैंने लोन दिया है यानी कि सौ रुपए मेरे पास डिपॉजिट है उसमें से इकहत्तर रुपए मैंने लोन के फॉर्म में दिए जो कि पिछले साल छिहत्तर प्रतिशत था इस बार मैंने इकहत्तर रुपए ही लोन दिया बाकी वैसा सी आर आर एस एल आर खर्चे वर्चे कोई ट्रेजरी में दे दिया कोई वैसे वैसे, वैसे इन्वेस्टमेंट कर दिया मैंने कहीं पर जो शेयर में इन्वेस्ट करते हैं दूसरी कंपनी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है तो जो भी रहता है वो आपका फंड तो ये पिछले साल के मुकाबले इस बार आपका कम हुआ है चीज समझ में आ गई बढ़िया था बढ़िया लगा अभी इससे बढ़िया भी चीज आने वाली है मैं पानी पीता हूं फिर लेकर चलता हूं आपको उसके सफर पे। ओके <laughs> okay. अच्छा आज की क्लास आराम से सुनो मैं आज रात का एमसीक्यूज नहीं लूंगा ठीक है टेंशन बिना टेंशन फ्री होके सुनना आज मैं एमसीक्यूज नहीं ले रहा बस आज हमसे कुछ नहीं लूंगा आराम से तसल्ली से करते हैं क्लास को बिना टेंशन के बिना दिमाग पे प्रेशर डाले चलो ओके सो यहां पर अब हम करते हैं आगे इसको अगला पिटारा खोलते हैं अगला पिटारा क्या है बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार होने वाला ये ये वहीं से मैंने उठाया था वहां पर क्लिक किया था मैंने ये क्लिक किया था यहां पर ये क्वार्टरली स्टेटिस्टिक पे तो यहां पर ये खुले थे कुछ स्टेटमेंट्स उसमें से मैंने स्टेटमेंट नंबर वन लिया आपकी स्टेटमेंट नंबर वन में क्या चीज है कमर्शियल बैंक्स एट अ ग्लांस नंबर्स इन एक्चुअल दीज आर फिगर्स इन एक्चुअल एक्चुअल में ये फिगर है ठीक है यहां पर एक्चुअल में फिगर एक्चुअल में फिगर क्या क्या है सुनो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स कवर्ड इंडिया में कितने शेड्यूल कमर्शियल बैंक है एक सौ इकतीसूल बैंक इंडिया में रीजनल रूरल बैंक हैं 43 रीजनल रूरल एज ऑन मार्च 2021 का डाटा अब आपको ये डाटा कहीं नहीं मिलेगा एक्सेप्ट दिस शीट इस शीट के अलावा आपको यह डाटा कहीं नहीं मिलेगा और यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा क्या कर लोगे आप सोचते रह जाओगे यह डाटा कहां पर था यह डाटा यहां पर था क्योंकि किसी ने पढ़ाया नहीं हमें आज तक और हमने पढ़ लिया शेड्यूल कमर्शियल बैंक कितने हैं है. उनमें से रीजनल रूरल बैंक है अब ये डाटा देखो मार्च दो हजार इक्कीस दिसंबर दो हजार बीस सेप्टेंबर दो हजार बीस ये देखो डिक्लाइन हो रहा है जून दो हजार सत्रह को एक सौ चौमालीस शेड्यूल कमर्शियल बैंक थे इंक्रीज हुए चार बैंक अब यहां पर सोचना ये जून 2017 से सितंबर 2017 में ऐसा क्या हुआ था कि चार बैंक आए थे किसको लाइसेंस मिला था 2017 में थोड़ा दिमाग पे जोर लगाना आपको याद आ जाएगा फिर उतना ही रहे फिर एक बैंक आया फिर तीन बैंक डिक्लाइन डिक्लाइन हुए का रीजन मैं आपको बता देता हूं आरबीआई ने इस, इस पर्टिकुलर बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया वही चीज ठीक है या फिर कोई बैंक मर्ज हुआ यहां पर आप देखो 141 से 133 हुए क्यों हुए यहां पर हुआ था मर्जिंग और यहां पर भी हुई थी मर्जिंग एक से सैतालीस एक मर्जिंग हुई थी ना बैंक ऑफ बड़ौदा की यहां पर मर्जिंग हुई एस वाली और यहां पर मर्जिंग हुई आपकी बाकी बैंक्स की ये मर्जिंग देखने को मिला मेरे एक सौ एक फिर कुछ के लाइसेंस कैंसिल किए होंगे और 131 पे आज की डेट में आ गया अब आप सोचोगे सर दिसंबर और मार्च के बीच में मुझे ऐसे याद आ रहा है आप ये सोचोगे कि सर बीच में लाइसेंस कैंसिल किए गए तो उस, उस बैंक के तो जरूरी नहीं है ना वो कॉपरेटिव बैंक्स के लाइसेंस कैंसिल किए गए तो जरूरी थोड़ी ना वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो कुछ कॉपरेटिव बैंक शेड्यूल कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में नहीं आते ना अब शेड्यूल कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन मैंने बता रखी है आपको और आपको मालूम होगी पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया बार बार उस चीज को नहीं करवाऊंगा मैं ठीक है करवाऊंग ओके, okay. सो so, ये चीज है ये नंबर समझ गए कंसेप्ट समझ गए ना देखो करंट अफेयर में भी कंसेप्ट लगता है कौन कहता है नहीं लगता है। यहां भी कंसेप्ट लगता है नंबर ऑफ ब्रांचेस 52,538 रूरल में टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस इन इंडिया एक लाख पचास हजार दो सात ब्रांचेस है इंडिया में सभी बैंक्स की मिलाकर एक सौ इकतीस बैंक की मिलाकर एक लाख पचास हजार दो सात ब्रांचेस हैं डेढ़ लाख ब्रांचेस हैं पूरे के पूरे इंडिया में है ना कितनी ब्रांचेस हैं? डेढ़ लाख एक शहर में कितनी हो सकती हैं? एनुअल ग्रोथ परसेंटेज जो फिगर वहां पर मैंने बताई थी वही फिगर यहां पर लिखी हुई है अब इन फिगर्स पे पढ़ने की याद करने की आवश्यकता नहीं है देखो सेवेंटी वन पॉइंट फाइव पढ़ी थी ना हमने ठीक है वही है ठीक है तो ये आपका सारा का सारा यहां पर हुआ और ये जिस पॉपुलेशन के बेस पर लिखे है तो सेंसस 2011 की पॉपुलेशन है तो ये पूरी पूरी शीट दिखाने का मकसद सिर्फ कुछ चीजें याद कराना था 131, 43, थ्री एक लाख पचास हजार दो सौ सात ये तीन फिगर आपको पता होने चाहिए एग्जाम में अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है बट क्या पता मैंने करवा दिया तो शायद आ जाए तो आ जाए है ना ओके okay, समझ रहे हो ना ठीक है चलो चले इस शीट को बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी नॉलेज नॉलेज बढ़ानी है वैसे ही पढ़ना है टाइम पास के लिए तो पढ़ लेना सारी शीट्स खोल खोल के देख लेना क्या आप तो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बढ़िया सा डाटा आपको मिल जाए है ना पढ़ने लायक मजेदार कुछ मिल जाए है ना बाकी इच्छा ना हो पढ़ने की तो कोई टेंशन नहीं है ठीक है बाकी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलो बंद करते हैं इसको और हम ये न्यूज़ पढ़ ली अब ये न्यूज़ जो सारी की सारी आई थी आपकी इस न्यूज़ में कुछ भी आपको वो नहीं था इस न्यूज़ में कुछ चीज़ें इराद करने वाली जो थी एब्रीविएशन्स वगैरह थी एक दो परसेंटेज थे मैंने आपको बता दिए या फिगर थी बाकी कुछ नहीं था तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना क्योंकि ऐसे ऐसे पॉइंट मैं निकाल कर कैसे दूंगा ठीक है तो इट्स बेटर ऐसी चीज़ों क्योंकि ये चीज न्यूज़ न्यूज़ समझने वाली ज़्यादा थी इस न्यूज़ में कुछ वो नहीं था आ, फैक्ट ज्यादा नहीं थे समझने वाली तो मैंने समझा दी ठीक है उम्मीद करता हूं बढ़िया लगी होगी ये न्यूज मजे आया होगा चलो आगे चलते हैं हम अगली खबर की तरफ जो हमारी किससे आई है हमारी स्लाइड पे ठीक है अच्छा ये एफ ए क्यू अभी नहीं था एफ ए क्यू जब मैं आया था ना अभी आधा घंटा पहले मैंने साढ़े छः बजे वेबसाइट खोली थी तब नहीं था एफ ए क्यू अब देखते हैं भाई एफ ए क्यू में क्या आ गया ओके okay. अच्छा एक और आपको सेक्शन बताऊं एफ ए क्यू बहुत अच्छा सेक्शन है फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन में आरबीआई के जितने भी गाइडलाइंस है ना वो सारी सारी इसमें दे रखी है अगर पढ़ना हो बड़ा मजेदार सेक्शन है बड़ा मजेदार सेक्शन मतलब मजा आ जाता है सेक्शन को पढ़ के मैं बहुत बार इस सेक्शन को वैसे ही पढ़ता रहता तो हूँ अपनी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए ठीक है और सारी की सारी मतलब बैंकिंग अवेयरनेस का ना बैंकिंग अवेयरनेस पूरी यहां दे रखी है फ्रेंकली बताओ बहुत बार मैंने डाटा यहां से उठाया अपनी बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास का शुरू से देख लो अगर आपको कुछ भी समझना देम्बुट्सपन स्कीम लिखा है एटीएम वाइड लेवल एटीएम क्या होता है नेफ्ट सिस्टम किसको कहते हैं लिखा हुआ है कार्ड ट्रांजेक्शन किसको कहते हैं सीटीएस किसको कहते हैं आरटीजीएस किसको कहते हैं एल क्या होता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम क्या होता है एनबीएफसी क्या होता है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी किसको कहते हैं एनबीएफसी पीयर टू पीयर लैंडिंग क्या होता है एंड पता नहीं क्या क्या सोवरन गोल्ड बॉन्ड की स्पीप दे रखी है स्वैप विंडो क्या होता है Hedging क्या होता है ईईएफसी e अकाउंट कैसे खुलता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट के बारे में इंडियन करेंसी के बारे में लिखा हुआ है 2017 में ये चीज आई थी सर्कुलर उसके बारे में लिखा हुआ है बी अकाउंट के बारे में लिखा प्रायवर्टी सेक्टर लैंडिंग बैंकिंग एमएसएमई किसको कहते हैं प्राइवर्टी सेक्टर लैंडिंग किसको कहते हैं पता नहीं ना जाने क्या क्या यहां पर मेंशन है आपकी पूरी पूरी बैंकिंग अवेयरनेस दिस इज द गीता जैसे मैं मास्टर डायरेक्शन मास्टर सर्कुलर बोलता हूं वैसे ही फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन इज अनदर वेरी गुड डाटा बेस which you can read and from which you can enhance your knowledge really well, ठीक है चलो अब आपको ना मैं वो चीजें बता देता हूँ जो टीचर आपको नहीं बताता आखिरकार कहाँ से लिया जाता अब देखो मैं भी बता रहा हूँ कि यहीं से लेता हूँ यार सीधा पढ़ लो ना अगर नहीं क्लास में आना कंटेंट है ना फ्री में बैंकिंग और नस्ट को तो सारा पढ़ लेना <laughs> किसी टीचर के ऊपर डिपेंड करने रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है।, है मैंने वैसे पढ़ा नहीं है टी में क्या चेंजेस आए हैं ठीक है बाकी ये पूरी की पूरी स्कीम ही बेसिकली टी के दे रखी है इन्होंने अब पता नहीं इन्होंने चेंज कहां किया है क्या किया है इसको फिर कल के लिए रखता है क्योंकि जब तक मैं खुद नहीं पढ़ूंगा तब तो तक मैं आपको क्या समझूंगा टीआलटीआर वैसे समझा सकता हूं टी आर टी आर क्या है ऑलरेडी मैं एक बार बता भी चुका हूं बट इसमें चेंज क्या है वो मुझे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वही आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है ना ऐसे तो चलो टी एल टी आर ओ पूरा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि कोई न्यूज में आया है बट चेंज क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है तो वो मैं पढ़कर ही पता कर पाऊंगा उसके बारे में टीएलटीआर ओ के बारे में कल पढ़ेंगे ठीक है अच्छा है टीएलटीआर का कंसेप्ट ना अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है तो डेफिनेटली मुझे हंड्रेड श्योर sure हूं टीएलटीआर ओ के बारे में आपको क्वेश्चन मिलने वाला है अरे वाह ये भी अभी न्यूज आज की ताजा खबर इससे तेज और कहीं नहीं ये ये भाई साहब साढ़े छः तक तो नहीं थी ये न्यूज साढ़े छः तक तो नहीं थी ठीक है

एक्साइज ऑफ पावर वेस्टेड इन आरबीआई प्रोविजन ऑफ सेक्शन सेवन ए वन सी रेड विद सेक्शन फोर्टी सिक्स सो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कियो? क्यों लगाया क्यों है फाइन है एक बार पढ़ लू मैं An examination of documents in matter of marketing and sale of third-party non-financial product to bank customer arising from a whistle complaint to RBI regarding a total loan portfolio of the bank revealed inter a contravention to the opposite provision of the Act and regulatory direction. In furtherance to the same notice was issued the bank advising to show cause as to why penalty should not be imposed after considering the bank's reply to show cause notice. Parallel submission made during the personal hearing and examination of other clarification left towards by the bank RV came to conclude the first exchange of the uh, controversion of provision of Act 12 and anti Quarantine imposition of AT penalty. ओके okay, चलो ये चीज हुई इसमें वो कुछ नहीं किया गया इसमें बेसिकली जो आ, दस करोड़ का फाइन लगाया गया एच डी एफ सी बैंक के ऊपर लगाया गया पहली चीज दूसरी चीज इस पे फाइन क्यों लगाया गया इस पे फाइन इसलिए लगाया गया है कि जो आपके थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स होते हैं थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं लाइक like जो बैंक का जो फर्स्ट प्रोडक्ट सेकेंड प्रोडक्ट मीन्स जो आपके बैंक डिपोजिट लेता है आपका क्रेडिट देता है लोन देता है वो बैंक का जो मेन फंक्शन है उसके अलावा बैंक ने बहुत सारे ऐसे फंक्शन कर रखे हैं जिससे बैंक को कमीशन इनकम होती है लाइक द इंश्योरेंस सेल करना जिसको बैंक इंश्योरेंस कहते हैं म्यूचुअल फंड सेल करना आपका इस तरह के बहुत सारे आपके बैंक्स ने क्रेडिट कार्ड सेल कर दिया स्वाइप मशीन लगा दी पीओएस लगा दिया तो इस तरह के बैंक्स ने बहुत सारे आपके काम ले रखे हैं जिससे बैंक्स को कमीशन होता है जिसको हम थर्ड पार्टी प्रोडक्ट कहते हैं तो यहां पर यही लाइन लिखी हुई है कि किसी विसल ब्लोअर ने विसल ब्लोअर ने विसल ब्लोअर क्या होता है कि एक ऐसा पर्सन जो कि अपनी आइडेंटिफिकेशन बताए बिना किसी ऐसे हायर अथॉरिटी को कंप्लेंट कर सकता है जिसको हम विसल ब्लोवर कहते हैं विस्सल ब्लोवर वैसे होता है भांडा फोड़ने वाला आई थिंक ऐसा ही होता है विस्सल ब्लोवर सीटी मारने वाला भांडा फोड़ने वाला किसी का भांडा फोड़ दिया जी है ना होता है किसी का डिस्क्लोज कर दिया किसी की चीज अंदर की बात बता दी तो इस पर्सन का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है ये आपके अवेलेबल होता है विस्सल ब्लोवर पॉलिसी भी होती है विसल ब्लोवर पोर्टल्स पर भी आपके जाकर आप कंप्लेंट कर सकते हो एज अ अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट की तरह यू होता है ना अनआइडेंटिफाइड एलियन होता है उस तरह से तो वहां पर उसने कंप्लेंट की तो उसकी जब तहकीकात की गई तो रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया को वो तहकीकात सही मायने में सही लगी और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी गलत तरीके से उस पॉलिसी को सेल किया जा रहा है जो कि एथिकल नहीं है जो कि सही नहीं है और इसीलिए एच बैंक के ऊपर दस करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया है यह पूरी पूरी न्यूज का सार मैंने आपको बताया ठीक है ओके okay. चलो समझ में आ गई ये चीज आप तो मेरी तरह हो ऐसे पढ़ते वो तो डिपेंड करता है यार मतलब मुझे अजीब नहीं लगता इसको पढ़ते आप में सोच सकता है काफी लोगों को ये पढ़ना अजीब लग रहा हो बट यार रियलिटी बताते मतलब कि ना मजा आ जाएगा जब बैंक में जाओगे ना तब तो कहोगे यार मतलब साथ वाले तुम्हारे वो चीज पढ़ नहीं पाएंगे और तुम पहले ही पढ़ रहे हो मुझे तो वो चीज की वो चीज सोच के ना मुझे आज भी होता है कि कि जब तुम बैंक में जाओगे डेफिनेटली तुम याद करोगे जब तुम बैंक के सर्कुलर पढ़ने को बोलेंगे ना और इससे लंबे लंबे सर्कुलर हो तुम ऐसे बड डालोगे उन सर्कुलर को जैसे तुम पता नहीं कितने टाइम से पढ़ रहे थे जब से तुम आरबीए करने लगे हो और तुम्हें तब याद आएगी मेरी कि सर ने यार क्लास में करा दिया तब आज नींद नहीं आ रही उन सर्कुलर को पढ़ के नहीं तो उन सर्कुलर को पढ़ के नींद आती है ठीक है तब तुम भी ऐसे ऐसे फटाफट पढ़ लोगे उन सर्कुलर को जैसे मैंने अभी कितनी जल्दी जल्दी पढ़ा और एकदम से जिस निकाल लिया ना वैसे ही खैर ये ईजी भी था इतना कोई मुश्किल नहीं था चलो भाई देखें और क्या अपडेट हो गया और तो कुछ अपडेट खास नहीं है अच्छा नोटिफिकेशन में जाए ये वही कल वाला ही न्यूज़ ही है स्टेट ऑफ कर्नाटका चलो निपटा का रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया निपट गया ये बड़ा टाइम लगता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ना 30 मिनट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खा गया ओके okay, जो लोग लेट ज्वाइन किया उनको बता दूं मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ताकि आपको मेरी सारी क्लासेस पीडीएफ वगैरह मिलती रहे एट द रेट के पर लिखोगे तो मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम पे अपडेट ठीक है पहली न्यूज प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी पासा एक्ट इन लक्षद्वीप ये इंसान जो अभी आप देख रहे हो ये है आपके लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर हैं इनका नाम है प्रफुल्ल पटेल जी प्रफुल्ल पटेल जी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए लक्षद्वीप के देखो लक्षद्वीप एक ऐसी जगह है कुछ समूह है आपका टापुओं का समूह है आईलैंड का समूह है यहाँ पर बहुत सारे आईलैंड है वहां पर जिसकी कैपिटल कावरती है यहाँ पर और आपका देखते हैं अगर मैप की तरफ चलते हैं तो केरला और कर्नाटका के उस तरफ आप देखने को मिलता है आपको और अगर मैं बिल्कुल इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करू तो मालदीव के थोड़ा सा ऊपर आते हो तो आपको लक्षद्वीप मिलता है तो काफी नजदीक है लक्षद्वीप और मालदीव काफी नजदीक है ठीक है ओके तो यहां पर ये यह जो लक्षद्वीप है अभी यहाँ पर किस तरह से गवर्नमेंट का जो शासन था वो कैसे था यहां पर आपकी छोटी छोटी पंचायत होती हैं अलग अलग एरिया में यहाँ पर पंचायत बटी होती यहाँ पर कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है यहाँ पर कोई भी एमएलए नहीं है यहाँ पर यहाँ पर केवल और केवल एक एमपी है यहाँ पर एक एमपी है यहाँ पर जो कि रिप्रेजेंट करते हैं एक ही सीट है यहाँ पर एम की और रिप्रेजेंट करते हैं आपके जो संसद में आपके उस लक्षद्वीप की सीट को राइट तो यहां पर उनकी द्वारा एमपी के द्वारा कोई कंट्रोल तो नहीं किया जाता ऑब्वियस है एमपी कोई कंट्रोल तो नहीं करता क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं है तो इसको आखिरकार कंट्रोल कौन करता है वहां पर गवर्नर्स कौन देखता है जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देखता है वैसे आखिरकार वहां कौन देखता है वहां पर आपका कौन देखता है वहां पर आपका देखता है एडमिनिस्ट्रेटर उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर चीफ मिनिस्टर नहीं है एडमिनिस्ट्रेटर आखिरकार अब तक जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर लक्षद्वीप में आए हैं वो आई एस जो होते हैं सिविल सर्वेंट जो होते हैं उन्हीं को ही अपॉइंट किया जाता रहा है जो रिटायर हो गए लाइक like दैट ठीक है ओके okay, तो अब यहां पर काफी सालों बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पॉलिटिशियन को वहां पर अपॉइंट किया गया है वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर और ये पॉलिटिशियन है प्रफुल पटेल जो कि इससे पहले या अभी भी फिलहाल दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड दीव जो कि एक ही यहां पर अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है पहले दादरा नगर हवेली अलग था दमन दीव अलग था अब यहां पर चूंकि वो एक ही आ, यूटी बन चुका है यूनियन टेरिटरी बन चुका उसके एडमिनिस्ट्रेटर बने और उसके बाद यहां पर अब लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर भी बनाए गए उससे पहले ये गुजरात गवर्नमेंट में यहां पर मंत्री थे आई थिंक होम मिनिस्टर थे मुझे जहां तक याद आ रहा है ये आपके वहां पर मंत्री थे और फिर लेटरों ने इनको दमन एंड दीव दादर नगर हवेली की जिम्मेवारी सौंपी गई और अब इनको लक्षद्वीप की जिम्मेवारी सौंपी गई खैर ये काफी चर्चा में है इन दोनों में प्रफुल्ल पटेल उसका रीजन ये है कि वहां पर कुछ लोज ऐसे बनाए गए हैं जिनमें से पहला लो क्या कहता है पहला लो वहां पर जो लैंड है जो बीचेस के अराउंड वहां पर लैंड है उसको एक्वायर करने की बात की जा रही है तो जो भी वहां पर घर हैं दुकानें हैं उनको डिसमेंटल किया रहा है और उनको कहा गया है कि आपको हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम आपको घर बनाकर देंगे जो कि आप किफायती दरों पर चाहे आप लोन लें या जैसे भी लें आप उनको ले सकते हो दूसरी चीज वहां पर एक ऐसा लॉ बनाया गया है जिसके तहत उन्होंने ये कहा है कि हम किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी के यहां पर वारंट दिए बिना किसी एक्ट लगाए हुए हम उसको यहां पर अरेस्ट कर सकते और यहां पर कोर्ट की कोई भी दखल अंदाजी नहीं रहेगी तीसरा उन्होंने वहां पर अभी लॉ बनाया है जिसके तहत उन्होंने ये कहा है कि पंचायत हाँ तीसरा लॉ उन्होंने बनाया है कि वहां पर जिसके दो या दो से ज्यादा बच्चे हैं वो पंचायत इलेक्शन नहीं लड़ सकते अब ये कुछ ऐसे लॉज हैं बहुत सारी चीजें हैं इसके पीछे मैं इसके प्रोज कॉन्स के पीछे नहीं जाऊंगा बिकॉज इट इज अ कॉमन प्लेटफॉर्म यूट्यूब है तो हम उस उसपे ना ही मैं उसके फेवर में बात करूंगा ना ही मैं इसके अगेंस्ट बात करूंगा आप भली भांति समझदार हैं आप समझते हैं कि ये लॉज आपके जो बनाए गए हैं ये फायदा पहुंचा रहे हैं कि नुकसान पहुंचा रहे हैं बट इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है प्रफुल्ल पटेल का वो ये कहना है इन्होंने ये कहा है कि ये जो भी लॉज लाए गए हैं लाइक like द लैंड डेवलपमेंट का लॉ लाया गया ये सिर्फ इसलिए

ठीक है तो यह चीज आपकी उनका एक मुद्दा है उन्होंने यह कहा है अब उन्होंने इसके लिए ऑब्वियस जो वहां के लोकलाइट है उनको हटाना शुरू किया दूसरा जो मुद्दा है एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट है यहां पर यह माना जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वो हटाना चाहते हैं जो उनके अगेंस्ट है इसलिए यह किया गया है तीसरा पॉइंट पंचायत में भी यह किया गया है चूंकि जो कि लक्षद्वीप है यहां पर क्या है यहां पर जो आपकी जो पॉपुलेशन है वो कोई ज्यादा नहीं है यहां पर पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है यहां पर एवरेज एक घर में एक से ज्यादा बच्चा नहीं है यहां पर पॉपुलेशन उस लेवल पर मास लेवल पर इंक्रीज नहीं हो रही जो कि कहा जा रहा है इस तरह की आपको कंडीशन लगाने की आवश्यकता है यह भी माना जा रहा है कि यह केवल केवल कुछ पंचायत क्योंकि मेन एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर पंचायत का है और पंचायत में वहां पर लोकलाइट इन्वॉल्व है तो कुछ ऐसे पंचायत के लोग जो पंच बनते हैं जो जीतते हैं वहां पर लोकल इलेक्शन वहां पर उनको हटाने के लिए क्योंकि उन्होंने कहा कुछ ऐसे पंचायत के लोग हैं जिनके यहां पर तीन तीन बच्चे हैं तो वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे तो इस तरह के लो लाए गए हैं इनके द्वारा यह पूरी की पूरी आपकी न्यूज आई है लक्षद्वीप यहाँ पर अब जो एग्जाम इंपॉर्टेंट है वो पूछ सकते हैं अभी हाल ही में यहाँ पर लक्षद्वीप के बारे में पूछा जा सकता है ये नीचे जो मैंने चीजें लिखी हैं इसके बारे में पूछा जा सकता है दादरा नगर हवेली और अब इनको फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर लक्षद्वीप का भी बनाया गया बाय फॉलोइंग अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग ओनली आई एस ऑफिसर एज द एडमिनिस्ट्रेटर एक अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है दट इज एडमिनिस्ट्रेटर इज अपॉइंटेड बाई होम

हाँ अगली न्यूज सुबोध कुमार जायसवाल से ही है डायरेक्टर ऑफ सीबीआई अनदर कंट्रोवर्शियल न्यूज डीज डेज सुबोध कुमार जी को दो दिन पहले अपॉइंट किया गया था आपका सीबीआई का डायरेक्टर सीबीआई का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था इनको सुबोध कुमार को और सीबीआई का जो भी डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है वो कमेटी डिसाइड करती है जिसमें यहां पर जो हेड रहते हैं वो रहते हैं प्राइम मिनिस्टर दूसरे पर्सन रहते हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और तीसरे पर्सन रहते हैं यानी कि अपोजिशन पार्टी का लीडर अपोजिशन पार्टी का लीडर चुनने की एक कंडीशन एक होती है जिसको अभी फिलहाल कोई भी पार्टी यहां पर पूरी नहीं करती है फिर भी एक अपोजिशन लीडर बनाने के लिए चौधरी जी को बनाया गया अधीर चौधरी जी हैं उनको यहां पर अपोजिशन पार्टी का लीडर है तो ये तीन मेंबर थे इस कमेटी में अब यहां पर जब ये चुना गया सीबीआई का डायरेक्टर तो इनको सुबोध कुमार जी जायसवाल जी के नाम के ऊपर यहां पर आपकी एक चीफ जस्टिस साहब ने हमारे जो रवाना जी हैं उन्होंने इस पर थोड़ी सी चिंता व्यक्त की उन्होंने कहा कि बहुत लंबी लिस्ट एक चुनी गई थी सबसे पहले ठीक है बहुत लंबी लिस्ट चुनी गई थी कि इनमें से सीबीआई डायरेक्टर चुने जाए फिर लिस्ट शॉर्ट होती होती आपकी पीएमओ है पहुंची जो आपका डिपार्टमेंट है आ, जो पब्लिक ग्रीवेंसिस डिपार्टमेंट है आपका पब्लिक रिलेशन एंड ग्रीवेंसिस जो पीएमओ के अंडर आता है उसके बाद लिस्ट पहुंची जो कि पीएमओ प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करता है और फाइनली कुछ ऐसे चार नाम निकाल गए चार नाम निकाल लेंगे जिनको यहां पर जो के के में कि एलिजिबल टेन्योर है अगर वो सीबीआई तो उनकी एज के अकॉर्डिंग आपका सिर्फ और सिर्फ छह महीने का रह गया जबकि ये चीज कुछ साल पहले एक कमेटी बनाई गई थी शायद प्रकाश नाम था उस कमेटी का उस कमेटी ने यहां पर मुझे याद नहीं आ रहा हो सकता मैं गलत नाम बता रहा हूं उस कमेटी ने पुलिस रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग यहां पर एक रिकमेंडेशन दी थी और उसका अप्रूव भी किया गया कि कोई भी ऐसी सीबीआई की जो पोस्ट होती है उस पर अगर किसी को अपॉइंट करो तो उसका कार्यकाल यहां पर छह महीने मतलब दो साल से कम नहीं होना चाहिए जबकि उनका कार्यकाल छह महीने रह गया था तो उनका नाम हटा दिया गया जबकि यह चीज पहली बार यहां पर की गई थी इससे पहले इस चीज को कभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया था और इसी चीज पर रमाना जी ने आपका थोड़ा सा खेद जताया कि उनका कहना था कि जान बूझ यहां पर सुबोध जायसवाल जी को यह पोस्ट साइन करने की वजह से करनी की जानी थी क्योंकि ये फेवरेबल थे ये फेवरेट माने जा रहे थे इसलिए वो जो पर्सन मुझे उनका नाम याद नहीं जिनको इन्होंने हटाया है उस छ महीने की क्लोज की वजह से उस पर्सन को अपॉइंट क्यों नहीं किया गया उस पर्सन को छ महीने का क्लोज इसलिए लगाया गया क्योंकि सुबोध कुमार जायसवाल जी को यहां पर अपॉइंट करना था और बाकी जो तीन बचे थे उनमें सुबोध कुमार जी यहां पर सबसे सीनियर थे उनमें सुबोध कुमार जी यहां पर सबसे सीनियर थे और इसीलिए सुबोध कुमार जी को उसको हटाने के चक्कर

अच्छा अधीर रंजन चौधरी नाम लिखा ही अधीर रंजन चौधरी जी ये आपका पूरा पूरा खेल हुआ और फाइनली ये सीबीआई के डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं सुबोध कुमार जयसवाल ओके okay, आज तो लंबी लंबी डिस्कशन हो रही है यार है ना <laughs> ओके okay, जो लोग लेट जुड़े उनको बता दूं आज रात को क्लास नहीं अपनी की उसकी, ठीक है, मत लेना से से बिल्डिंग खिड़कियां जो होती है उन खिड़कियों में ऐसा कोई मटेरियल लगाया जाएगा जिससे खिड़कियों में जो हवा है वो आपकी फिल्टर होकर आएगी और बहुत बड़ी सुकून वाली हवा आएगी ठीक है सो so ये सुकून सन हमारा हमारे सूरज अंकल सूरज अंकल कोल्ड डेज में सेम टू सेम अंदर फेंकेंगे ये कोल्ड एज डार्क वॉर्म आएगा ब्राइट कूल हो जाएगा डार्क कूल हो जाएगा इस चीजें का कलर कलर ऐसा हो जाएगा नैनो फोर्टनिक स्मार्ट विंडोज फॉर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ये चीज की गई है यहां पर आपका आई आई टी गुहाटी ने डेवेल्प किया स्मार्ट विंडो मेटीरियल आई आई टी गुवाहाटी है स्मार्ट विंडो मेटीरियल विच कैन ऑटोमेटिकली कंट्रोल क्लाइमेट ऑफ द बिल्डिंग्स रिसर्चर्स वर्किंग ऑन द विंडो हाईलाइटेड स्मार्ट विंडो मटेरियल कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट पासिंग थ्रू इट ओके रिसेंटली अभी हाल ही में आई से एक न्यूज आई थी साइन किया था के साथ ठीक है ये रिसेंट क्या? एक इवेंट आई टी गुवाहाटी से रिलेटेड ओके चलो आगे चलते हैं ए आई बेस्ड पेस्ट मैनेजमेंट पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है यहां पर ये पेस्ट मैनेजमेंट तेलंगाना और वधवानी वद्वा, ए के बीच में यहां पर किया गया है पेस्ट मैनेजमेंट जो कीटनाशक दवाई है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है प्रोफेसर जयाशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हैं एंड एमओ यू साइन किया है मुंबई बेस्ड वधवानी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल लर्निंग के साथ सो इन दोनों के बीच में एमओ यू साइन किया और इस एमओयू को बेसिकली साइन किस लिए किया गया फार्मर्स के लिए एक ऐसा सिस्टम बना जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कि कितना आपको यहाँ पर कीटनाशक छिड़कने की आवश्यकता है पेस्टिसाइड छिड़कने की आवश्यकता है क्या जरूरत है किस तरह से होना चाहिए वो सारा का सारा यहाँ पर बताया गया है ए आई बेस्ड पेस्ट और द इंसेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम डेल्ट बाय द वधवानी इंस्टीट्यूट विल हेल्प इन आइडेंटिफाई पॉसिबिलिटी ऑफ द पिंक बॉलवॉम एंड अदर इंसेक्ट पिंक बॉलवॉम एक प्रकार का आप सर्च करोगे गूगल में मैं जानबूझ के यहाँ पर फोटो नहीं दिखाई नहीं तो कई लड़कियाँ डर जाती ठीक है तो कई बच्चे इस टाइम पे मेरी क्लास देखकर खाना भी खाते हैं तो इसलिए मैं उनको डराना नहीं जाता कोई चाय पी रहा होगा ऐसे चाय बाहर निकल जाएगी तो आराम से जब तसल्ली से गूगल कर लेना पिंक बोलबोम वैसे देखोगे ना भी देखोग तो काम चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो इन चीजों के लिए स्पेसिफिक यहां पर किया गया सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाएगा खम्भान करीमनगर आदिलाबाद नगर कुरनोल नालगोंदा एंड दी महबूब नगर महबूब मेरे महबूब मेरे मुझे आंखों से मुझे पीने दे एक दर्द है मेरे सीने में मुझे मस्त माहौल में जीने दे बेस्ड पेस्ट मैनेजमेंट तेलंगाना के साथ यहाँ पर साइन किया है किसने याद रखना वधवानी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल लर्निंग ने ये क्वेश्चन आपका बन सकता है ठीक है <coughs> चलो अगली न्यूज हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड वन नोमैडिक ट्राइब सो ये वन गुज्जर्स एक ट्राइब है यहाँ पर उत्तराखंड का हाई कोर्ट जो कि नैनीताल में है ओके सो यहाँ पर इन्होंने लेकर आया है उत्तराखंड ने एक क्रिटिसाइज किया स्टेट गवर्नमेंट को कि उन्होंने जो वन गुज्जर्स हैं उनकी ट्राइब्स को नेगलेक्ट किया है ओके सो यहां पर आपका उनकी ट्राइब्स को यहां पर आपका आ, नेग्लेक्ट किया है टू सर्वाइव इन कंडीशंस बिलो एनिमल्स एक्सिस्टेंस कोर्ट हैज ऑर्डर उत्तराखंड गवर्नमेंट टू प्रोवाइड देम एकोमोडेशन फूड वाटर मेडिसिन और उनको इवन कोविड 19 टेस्टिंग के लिए कहा गया है कि वो अगर नेशनल पार्क में गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है वहां पर जाते हैं वहां पर रहते हैं तो वहां के जानवरों को भी नुकसान एनिमल्स को भी हो सकता है वहां की बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंच सकता है हो सकता है इंफेक्टेड हो सकते हैं वन गुज्जर जो है वो आपके हिमालय एरिया में रहते हैं इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड एंड दे आर दी बफेलो हर्डर्स ये भी हैं ओके सो यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है वन गुज्जर सिनोमेडिक ट्राइब्स रिलेटेड कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है बट जिसमें याद करने वाले जो एक्सट्रैक्ट की है हमने न्यूज़ जो हमारे एग्जाम पॉइंट से एक्सट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ है वो है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क कहाँ पर है उत्तराखंड में है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क कहां पर है उत्तराखंड में है इस न्यूज में से यह न्यूज मैंने एक्सट्रैक्ट की है स्टेटिक अवेयरनेस का आपका क्वेश्चन बन सकता है ठीक है ओके ओके चलो पापा में भी सुन रहे हैं आपका सॉन्ग चलो माफी चाहूंगा मम्मी पापा जी आपके बच्चों बिगाड़ना मेरा मकसद नहीं है वो तो ऐसे ही नाम सामने आया तो मुझे ये लगा कि आप लोगों को, को याद रहेगा फिर कभी है ना भूलोगे नहीं कि सर ने जब वधवानी वाली न्यूज़ पढ़ाई थी तो सर ने गाना सुनाया था है ना तो आप एग्जाम में भूलोगे नहीं एग्ज़ाम में आपका सवा नंबर पक्का मैं कभी भी एक नंबर नहीं गाता मैं हमेशा कहता तो सवा नंबर पक्का क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट तो कई बार ना ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप ना गलत टिक कराते हो तो उसी वजह से आपका सवा नंबर जाता है तो सवा नंबर आपका सही करता हूँ मैं एक नंबर सही नहीं करता सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम ओहो अच्छा अंकल जी कौन है अब पता लग रहा है ये है हमारे चौकसी साहब ओके okay. चौकसी साहब एंटीगुआ बरबुआ अभी न्यूज आई थी है ना एक दो दिन पहले आपने सुना होगा कि मेहुल चौकसी को यहाँ पर इंडिया लाने की बात की जा रही है पकड़ लिया गया इनको मेहुल चौकसी जी को है ना ओके सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ एंटीगोआ एंटी बरबुदा गेस्टन ब्रोनी ओके ब्रोने ओके ब्रोनी नाम याद रखना एग्जाम में पूछा जा सकता है आस्किंग नेबरिंग डोमिनिकिया जहाँ पर वो पकड़ा गया है टू हैंड ओवर द इंडियाज फ्यूजिटिव बिजनेसमैन मेहुल चौकसी फ्यूजिटिव भगोड़ा ओके भगोड़ा जो मेहुल चौकसी नीरव मोदी एक साथ एक ही थाली के चट्टे बट्टे और ये भाग गए इंडिया को छोड़कर मेहुल चौकसी उनमें से एक है और फ्रॉड करके और अब यहां पर प्राइम मिनिस्टर चौकसी ने कहा है प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्राइम मिनिस्टर बारबुदा के कहा है चौकसी जो कि एंटुगा बारबुडा में रह रहा था सिंस 2018 आफ्टर टेकिंग सिटीजनशिप इन 2017 उन्होंने सिटीजनशिप ली थी सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम दिस थिंग नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि आखिरकार सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम क्या है सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम बहुत सारे ऐसे देश हैं नीचे देशों के नाम भी लिखे हुए हैं पांच कंट्रीज ऐसे देश हैं जो कि यहां पर अब आपका आ, जो कि आपका क्या किया गया है जो कि आपके यहां पर आप वहां पर जाओ पैसा दो ठीक है आप वहां की कंट्री में इन्वेस्टमेंट करो इकनॉमी इन्वेस्टमेंट करो वहां इंडस्ट्रीज लगाओ वहां पर फंडिंग दो गवर्नमेंट को कुछ भी करो तो वहां पर आपको रहने के लिए पासपोर्ट दे देते हैं रहने की सिटीजनशिप दे देते हैं तो यह चीज मेहुल चौकसी ने की सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम ये सिटीजनशिप इन को मिलती है इन्वेस्टमेंट करके इन विच पर्सन गेट्स गोल्डन पासपोर्ट और कैश फॉर पासपोर्ट्स रेजिडेंट बाई इन्वेस्टमेंट इन विच पर्सन गेट्स गोल्डन वीजा और हाइब्रिड विद इमीजिएट रेजिडेंट फॉलोड बाय बाई एक्सेलरेटेड सिटीजनशिप बहुत ही जल्द जल्दी जल्दी जल्द उनको सिटीजनशिप दे दी जाती है वो वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं काफ़ी अच्छा पैसा देते हैं जो कि एंटीगुआ बारबुदा में दिया गया ऐसी यहां पर अभी पाँच कंट्रीज है कैरेबियन में एंटीगुआ बारबूदा ग्रेनादा डोमिनिका सेंट कीट्स एंड दी नेविस एंड दी सेंट लूसिया और उसके अलावा इजिप्ट कंबोडिया माल्टा जोड एन मोन्टेगर मोन्टेनेगरो वन नॉर्थ मैसेडोनिया रनिंग द सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम ठीक है कैरेबियन जगहों पर यहां पर कैरेबियन कंट्रीज तो ये वाली एक दो तीन चार पांच हैं एंड बाकी सारी आपकी अलग अलग एरिया में हैं कंट्रीज और ये आपकी यहां पर की जाती है यहां पर सिटीजनशिप इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत दी जाती है इवन इजिप्ट में भी ये चीज है इजिप्ट कैरेबियन कंट्री नहीं है कैरेबियन कंट्रीज वो उधर वाली जो साउथ अमेरिका साइड है है ना वो जो छोटे छोटे कैरेबियन आइलैंड्स हैं जहाँ पर वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज आते हैं तो वो उन कंट्रीज में ही आती हैं ठीक है तो ये चीज़ है सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम और एक काफी अच्छी जगह है यहां पर छुपने की मतलब वहां पर आप जाइए सिटीजनशिप लिए कोई पैसा इंडिया से उड़ा कर ले गए वहां पर जाके वहां दे दिया मान लो उनके पास सौ करोड़ है फॉर एग्जाम्पल सौ करोड़ है उसमें पचास करोड़ दे दिए पचास करोड़ खुद रख लिए ठीक है और उनको सिटीजनशिप मिल गई वहां पर आराम की जिंदगी बिता रहे हैं बस खत्म ओके ओके अगले क्या है पानी मुक गया मतलब खत्म हो गया हरियाणा रिकवरी और डैमेजेस टू प्रॉपर्टी एक्ट आज मैंने वो अनाउंस भी करने है ना नाम है ना नाम अनाउंस करेंगे ना आज बाकी बचे हुए अब भाई गूगल अर्थ तो मेरे भाई गूगल अर्थ गूगल अर्थ फेल हो जाएगी इतनी कंट्रीज के नाम है कितनी कंट्रीज पे गूगल अर्थ पे लेके जाऊंगा तुम्हें <laughs> देख ले नाम हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू तो प्रॉपर्टी एक्ट ओके सो so, गवर्नर ऑफ हरियाणा एस एन आर्या अप्रूव किया हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू तो प्रॉपर्टी बिल अकॉर्डिंग टू इट एनी डैमेज क्रिएटेड टू पीपल शॉप हाउसेज वेंडर कार्ड गवर्नमेंट ऑफिसेस बसेस व्हीकल्स एंड अदर सच पब्लिक प्रॉपर्टी विल बी रिकवर्ड फ्रॉम दी प्रोटेस्टर ओके सो यहाँ पर किसी भी तरह का डैमेज जो किया जाता है लोगों के घरों को दुकानों को वेंडर कार्ड्स को गवर्नमेंट ऑफिस को तो ये सब यहाँ पर आपका किया जाएगा उनसे रिकवरी किया जाएगा अगर किसी भी तरह का नुकसान उन्होंने पहुंचाया है तो उनकी खुद की प्रॉपर्टी से यहां पर उनसे खुद से ये सामान वसूला जाएगा पैसा वसूला जाएगा अगर वो किसी को को भी तरह की प्रॉपर्टी को कोई भी पर्सन डैमेज करता है हरियाणा रिकवरी और डैमेजेस टू तो प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस टू पब्लिक ऑर्डर बिल ट्वेंटी वाज पास इन मार्च दो और अब यहाँ पर फिलहाल इसको गवर्नर ऑफ हरियाणा की भी मंजूरी मिल गई है। इस तरह का उत्तर प्रदेश में भी किया गया था ऑलरेडी रिसेंट में एंड बस यही न्यूज है आपकी एग्जाम में पूछेंगे आपसे कि हाल ही में कौन से स्टेट ने रिकवरी और डेमेजेस्ट प्रॉपर्टी एक्ट लागू किया है तो उसका आंसर हरियाणा भी रहेगा और इससे पहले 2020 में यहां पर आया था उत्तर प्रदेश में ठीक है चलो आगे चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यहां पर आयुष क्लिनिकल केस रिपोर्ट्री पोर्टल आया आयुष क्लिनिकल केस पोर्टल लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू के द्वारा अलोंग दिस पोर्टल थर्ड वर्जन ऑफ आयुष संजीवनी ऐप भी लॉन्च की गई ये रिपोर्ट्री पोर्टल भी लॉन्च किया गया एप भी लॉन्च की गई सो ये यहां पर आयुष प्रैक्टिशनर्स एंड जनरल पब्लिक जो आयुष आपके डॉक्टर्स हैं उनको और जो जनरल पब्लिक है उनको यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराना इंफॉर्मेशन देना एंड इट विल बी लॉन्स विद द एम टू प्रोवाइड एग्रीगेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लिनिकल आउटकम्स अचीव बाय द आयुष प्रैक्टिस

असिम्टोमेटिक एंड द माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट ऑफ़ द कोविड 19 ठीक है सो so ये ऐप आप आपकी लॉन्च की गई है और एक पोर्टल लॉन्च किया गया है इसको डेवलप किया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 50 लाख लोगों तक ये डाटा पहुंचाएगा किसी को कुछ जानकारी लेनी है किसी को कोई मदद लेनी है किसी को कोई आयुष डॉक्टर वगैरह उनसे मदद लेनी है तो ये सब चीजें आपकी की जाएगी और ये आपका आयुष संजीवनी का थर्ड वर्जन और रिसेंटली डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी हमने न्यूज़ पढ़ी थी इसको आयुष संजीवनी ऐप को यहाँ पर लॉन्च भी किया था आयुष संजीवनी ऐप टू हेल्प टू जनरेट डाटा ऑन एक्सेप्टेंस एंड यूसेज ऑफ आयुष एडवोकेसी मेजर्स किस तरह से कोविड नाइन्टीन के अगेंस्ट उसको प्रिवेंट किया सकता है आयुष की जो गाइडलाइंस है उसको पूरा करके ठीक है अगली न्यूज है गवर्नमेंट ऑफ असम गार्जियन मिनिस्टर्स ओके तो ये न्यूज क्या आई है ये न्यूज बेसिकली आई है जो गार्जियन मिनिस्टर्स हैं गार्जियन मिनिस्टर्स अपॉइंट किए कि बेसिकली कुछ जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं असम में उन सबको यहाँ पर क्या दिया गया उन सबको यहाँ पर एक आ, थोड़ी दो तीन दो तीन डिस्ट्रिक्ट दी गई लिखा भी होगा तेरह मिनिस्टर्स एट मिनिस्टर्स वेल एलोकेटेड थ्री डिस्ट्रिक्टीचे एंड फाइव मिनिस्टर्स वेल एलोकेटेड टू डिस्ट्रिक्ट तो वहां पर जो एम एल ए है वो तो देखो देखेंगे ही उस जगह को ठीक है उनका तो कंट्रोल रहेगा एमएलए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर कलेक्टर व कलेक्टर के ऊपर वहां के जो मंत्रालय है उनको उनका गार्जियन बनाया गया गार्जियन बनाया गया है यहां पर कि तीन डिस्ट्रिक्ट आपकी कुछ मिनिस्टर्स में बांट दी गई है तीन तीन डिस्ट्रिक्ट वो उन तीनों डिस्ट्रिक्ट के ऊपर रख रखाव करेंगे उनका जिम्मेवारी लेंगे उनको अगर कोई प्रॉब्लम है वहाँ के तो इनको कंसल्ट करेंगे या आगे चीफ मिनिस्टर तक बात पहुँचाएंगे तो एक प्रकार से ये गार्जियन अपॉइंट किया और किसी भी तरह की डेवलपमेंट जो एक्सपेक्टेड है उस डिस्ट्रिक्ट से वो भी इनकी जिम्मेवारी रहेगी सो दिस स्कीम हैज़ बिन इम्प्लीमेंटेड इन दसम डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा गार्जियन मिनिस्टर्स कौन से स्टेट में इंप्लॉयमेंट किए गए अपॉइंट किए गए द राइट आंसर विल बी दी असम awesome, असम awesome में यह चीज की गई है दे विल बी रिस्पॉन्बल टू इंप्लीमेंट एंड रिजॉल्व इश्यूज रिलेटेड टू द स्कीम्स बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दे विल ऑल्सो सुपरवाइज गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड वेलफेयर स्कीम ऑफ द पब्लिक और दे विल भी एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन एक्स ऑफिशियो मतलब होता है कि उनकी जगह पर कोई भी आ जाए कोई भी एम एल ए बन जाए लेकिन जो भी एम एल ए बनेगा वो चेयरपर्सन बनेगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का कोई भी एम एल ए बनने इट इज नॉट सेंट्रिक टू दर्सन लाइक दी हम कहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी हैं है ना वो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी बट नया प्राइम मिनिस्टर आएगा तो नाम चेंज हो जाएगा ना है ना ऐसा तो नहीं है हमेशा प्राइम मिनिस्टर वही रहेंगे बट ये आपकी पोस्ट सेंट्रिक है कि जो भी उस पोस्ट पे आएगा वो वो बन जाएगा वो उसका हेड बन जाएगा लाइक दी जो नीति आएगा उसके एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होता है तो जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है वो चेयरपर्सन हो जाता है नीति आयोग okay, है, है दो मिनट रेस्ट करें करे शुरू करें बैंक से यार लेट ना, आया ना साढ़े छः आया छे छः बजे आया खाना खाया आकर और फिर बस थोड़ा बहुत ये न्यूज़ को देखा आरबीआई की वेबसाइट विज़िट की इतनी देर में क्लास का टाइम हो गया आ गया Okay. आज जो लोग लेट किए उनको बता दो आज एम नहीं होंगे ठीक है आज एम नहीं होंगे आज एम नहीं कराने वाला एम के लिए बहुत लेट हो चुका है रिवीजन नहीं हो पाएगी मजा नहीं आएगा एमसीक्यूज करते हुए इसलिए आज एम नहीं है कल करेंगे हम एक साथ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज लॉन्च सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन दैट इज ए सेहत ओपीडी पोर्टल सो सर्विस विल बी प्रोवाइडेड बाय डिफेंस डॉक्टर हु आर ऑन रेगुलर ड्यूटीज पर्सन इज सेवेंटी फाइव एंड अब कैन कंसल्ट विदाउट वेटिंग ओके सो यहां पर आपका डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया है सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन दैट इज दी डी पोर्टल सेहत ओपीडी पोर्टल यहां पर राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया है सेहत का यहां पर फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड बाय डिफेंस सर्विसेज डॉक्टर हु एंड रेगुलर ड्यूटीज जो रेगुलर ड्यूटी पे हैं उनके द्वारा प्रोवाइड की जाएगी जो पचहत्तर साल से ज्यादा के हैं उनको वेटिंग करने की आवश्यकता नहीं है और एक ई संजीवनी पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसमें आपका टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू जहां पर पांच लाख लोगों तक तो अब तक ये फैसिलिटी पहुंचाई जा चुकी है पोर्टल हैज बिन लॉन्च टू प्रोवाइड टेलीमेडिस सर्विसेज इन आर्म्ड फोर्सेज आर्म फोर्सेज जो है आर्मी वार्मी उन सब तक ये सुविधा पहुंचाई जाएगी आर्मी एयरफोर्स नेवी एक्स सर्विस पर्सनल वो टेली कंसल्टेशन आपके सर्विसेज यूज कर सकते हैं ई संजीवनी जो है इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ टेली मेडिसिन सर्विस जो कि आयुष्मान भारत हेल्थ इनिशिएटिव के तहत यहाँ पर लिया गया जिसमें मैंने आपको बताया डेढ़ लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यहाँ पर जुड़े हुए हैं और वो यहां पर सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं अलग 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 तेईस स्टेट्स में और इट इज द सेकंड कंपोनेंट टेली कंसल्टेशन सर्विस विच एनेबल पेशेंट टू तो डॉक्टर इंटरेक्शन ठीक है तो ये चीज आपके डिफेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया सेहत ओपीडी पोर्टल सेहत की फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा ओके नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं केरला केरला से न्यूज आई है केरला न्यू स्मार्ट किचन स्कीम केरला की एक स्कीम आई है दैट इज दी न्यू स्मार्ट किचन स्कीम आई है चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला पिनरई विजय ने अनाउंस किया है यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने जब इलेक्शन लड़ रहे थे तब इन्होंने अनाउंस किया था तब इन्होंने वादा किया था कि एक स्मार्ट किचन स्कीम लाएंगे स्मार्ट किचन स्कीम बेसिकली गृहणियों के लिए लाया गया है और उनको लोन दिया जाएगा उनके किचन के लिए किचन के लिए यहाँ पर लोन दिया जाएगा यहाँ पर वीमेन ऑफ द स्टेट ओके सो तो क्या हम आदमी लोग किचन में काम नहीं करते इंसानों को मतलब इंसान क्या हमारे आदमियों को लोन नहीं दिया जा सकता क्यों नहीं दिया जा सकता है ना करते ही हो ना करना पड़ेगा शादी के बाद अब लोग कहेंगे सर मैं तो नहीं करूंगा ना? वाइफ करेगी तुम भी हाँ मैं भी हाँ कहाँ जाओगे तुम पता चल ही जाना है एक ना एक दिन जिंदगी के सच्चाई का लोन भी प्रोवाइडेड विद द लो इंटरेस्ट रेट इन इंस्टॉलमेंट स्कीम ठीक है चीफ मिनिस्टर गवर्नर कैपिटल ठीक है कभी दो तीन साल में नौकरी लग के जब शादी हो गई जब किचन में प्याज काट रहे हो गए तब भी याद आएगी ऐसे ऐसे करोगे आंसू तो प्याज काटने की वजह से निकलेंगे कपिल सर ने सही कहा था एक बार केरला की किचन स्कीम आई थी तब याद आएगा बीवी को बताओगे कपिल सर ने सही कहा था एक बार केरला की किचन स्कीम आई थी उन्होंने मेरा फ्यूचर बता दिया था उसी वक्त ही मुझे वो दिन था अट्ठाईस मई दो हज़ार इक्कीस आज वही मेरा सच हो रहा है मेरा भविष्य मेरे हाथ में है मैं प्याज काट रहा हूँ चाकू से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर ओपन अप किया गया है गवर्नमेंट हैज ओपन अप द द द इंपोर्ट ऑफ लाइक अरहर मूंग एंड द उड़द दाल ये भी सीखना पड़ेगा आपको कि तूर कौन सी होती है मूंग कौन सी होती है उड़द कौन सी होती है अब पीली दाल हरी दाल काली दाल नीली दाल चमकीली दाल गोल्डन दाल भूरी दाल हरी दाल उससे काम नहीं चलेगा अब आपको समझना पड़ेगा शादी के बाद कि तूर की दाल उड़द की दाल मूंग की दाल कौन सी होती है ठीक है आप जब अपनी बीवी के साथ जाओगे मार्केट में राशन लेने तो वहां पर बीवी की बेजती होती है तो इसलिए प्लीज सीख लेना कि भैया मूंग की दाल दीजिए भैया उड़द की दाल दे वहां ऐसे नहीं बोलना भैया पीली दाल देना भैया हरी दाल देना वो नहीं चलेगा प्लीज है ना ठीक है तो ये उड़द की दाल अरहर मूंग उड़द की दाल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हैज अमेंडेड द इंपोर्ट कवरेज ऑफ दीज थ्री पल्स पापा से पूछना ठीक है पापा से पापा आपको पता था क्या शादी से पहले कि उड़द की दाल कौन सी होती है है अरहर की दाल कौन सी होती है पापा से बताना है ना जिसके पापा थोड़े फ्रैंक फ्रैंक है ना आपके पापा आप में से किसी के बड़े चिल आउट टाइप है ना उनसे पूछना ठीक है मजे लेना रात को उनके तो ऑफ दीज थ्री पल्सेस बाय ट्रांसफरिंग देम फ्रॉम द रिस्ट्रिक्टेड टू द ओपन कैटेगरी ओके सो यहां पर रिस्ट्रिक्ट से ओपन कैटेगरी कर दिया गया है इंपोर्ट आओ भाई इंपोर्ट ओपन किया गया इसका इंपोर्ट आएगा बढ़ेगा इसका और ताकि प्राइस राइज को यहां पर दूर किया जा सके ओपन जनरल लाइसेंस अंडर द फ्री इंपोर्ट पॉलिसी एनेबल्स द ट्रेडर्स टू इंपोर्ट द पल्सेस टू फुलफिल द शॉर्टेज ऑफ पल्सेस ये एक ओजीएल है ओजीएल की फुल फॉर्म याद रख लेगा ओपन जनरल लाइसेंस दिया जाता है इंपोर्ट को फ्री किया जाता है यहां पर इन पे जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है उसको हटाया गया है ठीक है ओके okay. पापा को पता है पापा को पहले नहीं पता होगा ना शादी के वक्त पूछो ना पापा शादी के वक्त आपको पता था क्या अब पच्चीस साल बीस साल हो गए शादी को अब तो पता ही होगा <laughs> नहीं पता तो दो महीने बाद अपने आप पता लग गया होगा शादी का तो पूछो उस टाइम की बात पूछो अभी क्या पूछते कई के पापा कहेंगे कई कही के कईयों के पापा तो यह कहेंगे मत मेरे दुखती नब्स पे हाथ रख मुझे अपने पुराने दिनों की याद आ जाएगी यही कहेंगे आपके पापा। डिपार्टमेंट ऑफ़ मेक एनर्जी स्टेटेड दैट इंडिया फर्स्ट रेडियो आइसोटॉप प्रोडक्शन रिएक्टर एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स विल बी बिल्ड ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पीपीपी मॉडल हमने जो देखा था वो कल हमने देखा ना बो बी ओ टी वाला बिल्ट ऑन ऑपरेट ट्रांसफर तो वो पीपीपीपी होते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बहुत सारे बिल्ड ओन ऑपरेट बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर इस तरह के बड़े बी होते हैं ठीक है तो वो सारे के सारे ट्रिपल ट्रिपल पी पी के के अंडर ही आते हैं ठीक है तो अंदर आते हैं आपके यहाँ पर एंड दैट इज दब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत ये आपके आते हैं इसमें इंडिया का पहला रेडियो आइसोटॉप प्रोडक्शन रेडियो आइसोटॉप प्रोडक्शन यहां पर लेकर आया है कौन यहां पर

जब कॉलेज जब आप इंजीनियरिंग की पहली क्लास में होगे या फिर आप कहीं कोटा वोटा घूम पढ़ने गए होगे या कहीं भी आप तैयारी गए तो वहाँ पर खड़े होके पूछा होगा आपसे तो बताओ आइसो क्या होता है कंसेप्ट तो क्लियर थे नहीं हमारे है ना वो तो ऐसे ही आ गए हम सबको पता है सच्चाई क्या होती है ना कंसेप्ट तो किसी कॉमर्स e वालों के कौन से कंसेप्ट क्लियर होते हैं मैं अभी भी पूछ लूँ आपसे मैं बहुत बार इंटरव्यूज लेता हूँ ना मोह इंटरव्यूज लेता हूँ कॉमर्स वाला बच्चा आता कहता था आई हैव डन मैं इंट्रोडक्शन पूछा उसे मॉक इंटरव्यू अभी भाने बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज लिए थे लास्ट ईयर अभी एस बी आई और उसके जब हुए थे आई वी एस पी ओ के तो वो कॉमर्स वाले बच्चा तो ऑब्वियस है जब साइंस वाला बच्चा आता है तो मुझे इतने ही साइंस के क्वेश्चन तो आते नहीं कॉमर्स वाले आते हैं तो कॉमर्स वाला तो मैं बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन पूछता हूँ उनसे मैं इजी भी क्वेश्चन पूछ लूँ अच्छा बताओ थ्री गोल्डन ऑफ अकाउंटिंग थ्री गोल्डनस उनका रिएक्शन देखो अच्छा सर थ्री गोल्डनस ऑफ अकाउंटिंग अच्छा सर थ्री गोल्डनस पूछे आपने सर थ्री गोल्डन्स मतलब सर जिसमें तीन रूल्स होते हैं वही पूछा ना आपने सर hmm, मतलब जो अपने पहला दूसरा तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट है सर मतलब मुझे अभी ना मतलब मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा बट सर याद था मतलब पढ़ा था सर एलेवंथ में सर वो डेबिट क्रेडिट होता है सर उसमें मतलब आ जाता है वैसा तो डेबिट हो जाता है चला जाता है क्रेडिट हो जाता नहीं सर सॉरी डेबिट हो जाता है आता है नहीं सर डेबिट हो जाता है चला जाता है क्रेडिट होता है आता है उसका मतलब डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर सर यही होता है सर तो इसी तरह से तुम लोग आइसो टॉप वाले जब तुमसे पूछा होगा बट इज़ आइसोटॉप सर हाँ सर आइसोटॉप सर मतलब सर परसों ही सर बात हुई थी उससे आइसोटॉप ये मुझे बताया भी तो सुना आइसोटॉप के बारे में है ना यही रिएक्शन होता है वही मेरा रिएक्शन आइसोटॉप मुझे पता नहीं आइसोटॉप क्या होता है ओके सो क्रिएक्टर विल बी डिजाइन बाय भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एंड कंस्ट्रक्टेड बाय द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो की सब्सिडी है डी ए आई की एक सेकंड रुकना ओके ट्रांस यूनियन ऑन बोर्डिंग सोल्यूशन इंप्लीमेंटेड बाय यस बैंक ओके सो ट्रांस यूनियन से आपको याद हो रहा होगा कुछ चीज ट्रांस यूनियन सिबिल याद आ रहा है ट्रांस यूनियन सिबिल सिबिल जो हमने क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पढ़ी थी सिविल इक्विपेक्ट क्रिफ फाइमार्क याद आ रहा है तो उसमें एक कंपनी सिबिल सिबिल का टाइप किसका ट्रांस यूनियन कंपनी के साथ तो वही ट्रांस यूनियन कंपनी है

एंड ईजियर डिजिटल ऑन बोर्डिंग प्रोसेस डिजिटाइजेज ऑन बोर्डिंग जस्ट टाइप पूछेगा किसका किसके साथ हुआ है ट्रांस yes यूनियन के बारे में पीएनबी और पी एनबी हाउसिंग बैंक के बीच में यहां पर एक नया एग्रीमेंट हुआ है पीएनबी और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो है ये ऑलरेडी एक एग्रीमेंट में थे बट अब यहां पर नया एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में साइन हुआ है दैट इज पंजाब नेशनल बैंक एंड द पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड मेड अ फ्रेश ब्रांड एग्रीमेंट टू प्रोवाइड पीएनबी विद राइट टू विथड्रॉ इट्स ब्रांड नेम फ्रॉम पीएनबी हाउसिंग करंटली पीएनबी इज होल्डिंग परसेंट इन पीएनबी हाउसिंग ओके हर हिम्मत जवाब दे रही है यार. कितना पढ़ा है अच्छा ये अब आप बन गए हैं दुनिया के 30 richest person ये वो आती है डेली बेसिस पर एक रियल टाइम पे बिलीनर इंडेक्स आता है तो उसमें ये बने हैं ठीक है फोर्ब्स रियल टाइम लिस्ट में ठीक है मोहल्ल का इंटरनेशनल स्टेडियम अमृता से इनको अवार्ड दिया गया यूरोप का गोल्डन शो अवार्ड वीर चक्र अवार्ड पंजाब सिंह निधन हुआ वेटर चिल्ड्रन ऑफ थ्ररिक कार्ले म्यूजिक कंपोजर राम लक्ष्मण ओके यार बहुत बड़ा है ठीक है भूला नहीं जा रहा अब इसको कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन में ठीक है अगले सेशन में मैं इसको कंटिन्यू करवाऊंगा आ, अब मैं नहीं करवा रहा बाकी नहीं उसके साथ कवर कर दूंगा डोंट वरी क्लास ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है एंड uh, एक और चीज़ uh, कल क्लास नहीं होगी करंट अफेयर्स की आज रात एम क्लास भी नहीं होगी और कल सुबह करंट अफेयर्स की क्लास भी नहीं होगी कल पूरा दिन नहीं होगी करंट अफेयर्स की क्लास ठीक है मुझे काम है थोड़ा कहीं ज़रूरी जाना है तो मैं नहीं अवेलेबल होऊंगा कल का दिन हाँ लेकिन कल रात को 10 बजे एम का सेशन ज़रूर होगा जो कि इस क्लास के एमसीक्यूज़ और हमारे जो कल के कुछ एमसीक्यूज़ रह गए थे वो वाले और इस क्लास के एमसीक्यूज़ दोनों क्लासेस के एमसीक्यू का सेशन कल रात दस बजे होगा कल करंट अफेयर्स की कोई क्लास नहीं होगी करंट अफेयर्स की क्लास जो संडे को मैं नहीं लेता हूं नॉर्मली मैं संडे को करंट अफेयर्स की क्लास नहीं लेता तो संडे को मैं करंट अफेयर्स की क्लास लूंगा और संडे को 11 बजे आपका टेस्ट तो रहेगा ही रहेगा संडे को 11 बजे आपका टेस्ट होता है एमसीक्यू का वो याद रखना संडे को 11 बजे आपका एमसीक्यू का टेस्ट पूरे पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स का वो रहेगा रहेगा संडे को 11 बजे और संडे को जब 11 से 12 वो क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो उस एमसीक्यू के बाद मैं करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए लेकर आऊंगा संडे को कल की क्लास नहीं रहेगी बता रहा हूं परसों संडे को आपकी क्लास होगी ठीक है परसों संडे को आपकी क्लास होगी ये याद रखना और ये क्रॉसवर्ड आपको पता है क्या चीज है जिनको नहीं पता कल की वीडियो देख लेना कुछ दिन पहले की वीडियो देख लेना आपको पता लग जाएगा कि क्या होता है क्रॉसवर्ड ठीक है क्या क्या मेरे द्वारा इनिशियटिव लिया गया है कल सुबह प्लस पे क्लास है कल सुबह आठ बजे प्लस पे क्लास है फिर मैं कल का शेड्यूल बता दूं कल सुबह आठ बजे प्लस पे क्लास है कल रात को दस बजे एम की क्लास है परसों संडे को सुबह ग्यारह से बारह बजे पूरे वीक का टेस्ट है वीकली टेस्ट है और फिर साढ़े बारह तकरीबन हमारी संडे को करंट अफेयर्स की क्लास होगी जो कल मैं नहीं ले रहा वो संडे को लूंगा ठीक है और फिर अगले दिन और फिर संडे को रात को एम का सेशन भी रहेगा रहेगा ओके okay, तो ये आपका शेड्यूल रहेगा कल कोई करंट अफेयर्स की क्लास एक्सपेक्ट मत करना आप मेरे से ठीक है ओके okay, चलो अब यहाँ पर अनाउंस करता हूँ मैं उन विनर्स के नाम जिनके नाम रह गए थे अनाउंस करना और अगर कोई भी क्लास में इस वक्त मौजूद है तो डेफिनेटली आई वुड लाइक कि वो अपना रिएक्शन ज़रूर दें और अगर जो क्लास में मौजूद नहीं हैं वो बाद में अगर इसको सुन रहा है अपने नामों को तो वो बाद में कमेंट्स में ज़रूर बताएं ठीक है इन सब लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा आपका उनका रिफंड बहुत ही जल्द ठीक है और बाकी अगर क्रॉसवर्ड खरीदना हो तो क्रॉसवर्ड के लिए बस इतनी चीज मैं बता दूं क्रॉसवर्ड फिलहाल इन इन प्राइसेस पे अवेलेबल है अगर ये डिस्काउंट कोड लगा देते हो तो 12% परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और 31 मई से पहले खरीदते हो तो 13 महीने की वैलिडिटी मिल रही है 31 मई के बाद खरीदो दोगे तो 13 महीने की वैलिडिटी नहीं मिलेगी एक तरह से स्टार्ट हो रहा है और फिलहाल ये पैकेज आप वेबसाइट पे जाके इसको परचेज़ कर सकते हो इस पर लिंक पे क्लिक करके और अगर कोई इश्यू है कोई क्वेरी है तो इस पर आप मेल कर सकते हो तो इकतीस मई रात को बारह बजे से पहले इनको इस प्राइसिस पर खरीद लेना क्योंकि इकतीस मई के बाद प्राइसिस भी फिफ्टी रुपीज से इंक्रीज़ हो जाएगा प्लस आपको वैलिडिटी भी जो है बारह महीने तक ही मिलेगी तो परचेज करना हो तो इकतीस मई से पहले ले लेना ठीक है चलो अब नाम लेते हैं उनके उन लकी विनर्स के पहला नाम है आपका यहाँ पर चेतन चेतन का नाम मैं ऑलरेडी ले चुका था ठीक है हाँ बिल्कुल हाईलाइट करके मिलेगी चेतन का नाम मैं ऑलरेडी ले चुका था दूसरा नाम था अभिषेक पतसरिया जी ओके कॉन्ग्रेचुलेन बोथ ऑफ ये दो नाम मैं ले चुका था तीसरा नाम मुझे कल पूरा याद आ रहा था तो फाइनली उसका याद आ ही गया तो तीसरा नाम मैंने लिया था अंजलि अलहन का अंजलि अलहन का मैंने नाम दिया था कोड स्मॉल में वर्क कर रहा है कैपिटल में कर रहा है दोनों में कर लो कोई इश्यू नहीं है जैसे मर्जी लिख लो बट कोड लगा लेना ठीक है ओके सो दूसरा नाम तीसरा नाम है अंजलि अलहन ठीक है अंजलि अलहन तीसरा नाम है और अगला नाम है अगला नाम है स्नेहा जो मैंने बताया था कितनी स्नेहा है यहां पर स्नेहा जल्दी से जल्दी यस बोलो स्नेहा लोग तो ऐसे भाग गए जैसे इनका नाम आ ही नहीं सकता बिल्कुल किस्मत पे भरोसा नहीं है ना है ना ओके अंजलि तो है मौजूद स्नेहा कितनी सारी स्नेहा है जल्दी बताओ स्नेहा 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 यस 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 स्नेहा नहीं है वो स्नेहा कमाल होगी ठीक है तो ये है आपकी स्नेहा सिंह दिस इज द स्नेहा सिंह ईमेल आईडी इनकी है स्नेहा डॉट सिंह वन नाइन नाइन सेवन वन डैश 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 ठीक है तो ये ईमेल आईडी वाली स्नेहा सिंह है ठीक है अगला नाम है गोयल है ये गोयल है ये अगला नाम है गोयल ठीक है अगला नाम है गोयल और ये है आपका अल्पा गोयल अल्पा गोयल है इनका नाम ईमेल आईडी है गोयल अल्पा थ्री डैश डैश आगे मैं पूरी ईमेल आईडी नहीं बन रहा मतलब इससे एक थोड़ा सा वो हो जाता है कि एक आइडिया लग जाता है कि कई बार मिक्स हो जाता है अगला नाम है नायक है ये नायक नहीं खल नायक हूं मैं ओके okay, सो so यहाँ पर है मनीषा नायक बुरा मत मानना ऐसे गाना मुंह से निकल गया ठीक है बुरा मत मानना दिस इज मनीषा नायक इनके नाम की स्पेलिंग में एम ए एन डबल ई एस एच ए है ठीक है और इनका जो यूजर नेम थोड़ा सा डिफरेंट था पता नहीं पी जी नाइनटीन सी एम पता नहीं ऐसा करके यूजर नेम है इनका पता नहीं क्यों क्योंकि ये मेला है मनीषा नायक वन करके आगे नेक्स्ट नाम है आपका आशीष कुमार आशीष कुमार है नेक्स्ट नाम ये है ईमेल आईडी इनकी आशीष जीरो जीरो वन डैश डैश ठीक है आशीष कुमार आशीष जीरो जीरो वन के डैश डैश अगला नाम मैंने जो बताया था पटेल 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 आपको बोला था ना पटेल पटेल कौन है है ना तो पटेल है इसमें से कौन ये नाम मैंने बोला तो थो थोड़ा सा यूनिक से है फैनिल पटेल है इनका नाम अब ये लड़की है लड़का है मुझे नहीं पता बट दिस पटेल फैनिल पटेल जीरो एट डैश डैश अगला नाम है यहाँ पर आपका एकता एकता भी बहुत सारी होंगी क्लास में ठीक है एकता भी बहुत सारी होंगी क्लास में ठीक है सो ये है एकता यहां पर एकता चल वो होता है ना कदम से कदम भड़ाए जा खुशी के गीत गाए जा ज़िंदगी है कौम की कौम पे लुटाए जा कदम कदम एकता कदम है इनका नाम एकता कदम फाइव एट नेक्स्ट नाम है गुप्ता जी हैं हमारे ये अब इनका नाम तो है गुप्ता और पूरा नाम है इनका यश गुप्ता बट इनकी ईमेल आईडी है जूली <laughs> जूली आगे एक नाम दे रखा है ठीक है तो इनकी यश गुप्ता और ईमेल आई डी इनकी लड़की वाली है पता नहीं क्या रीजन है इसके पीछे है। वो उनको मालूम होगा ठीक है तो आई थिंक हो गए दस नाम एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस सो यस ये दस नाम मैंने ले लिए हो चुके हैं दस नाम कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन चेतन अभिषेक पत्सरिया स्नेहा सिंह अल्पा गोयल मनीषा नायक आशीष कुमार फैनिल पटेल एकता कदम यश गुप्ता अंजलि अहन ये हैं दस के दस नाम और उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा लाइक करके जाइएगा सेशन को शेयर आपकी मर्जी है करना है ना करिएगा ठीक है सर हमारी फूटी किस्मत अरे क्यों टेंशन लेते हो फिर कभी किस दिन है न चलो और कोई नहीं है क्लास में जिसका नाम मैंने लिया ओके अरे बेटा मौज कर दे चलो टेक केयर बाय एंड मिलते हैं फिर कल करंट अफेयर्स की क्लास नहीं होगी फिर से बता रहा हूँ कल रात को एम सी का सेशन होगा कल सुबह आठ बजे प्लस क्लास जरूर होगी मिलते हैं कल सुबह प्लस क्लास में एंड रात को एम सी क्लास भी नहीं है टेक केयर लव यू बाय बाय एंड लगे रहिए पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए हंसते रहिए और देखते रहिए हमारा शो दैट इज कपिल घाट शो